आप लोगों का स्वागत है एसएन कोचिंग ऑनलाइन चैनल पे, और सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से आप लोग आ जाइए। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इवनिंग में 7 से 8 जो है डेली क्लास लेते हैं, है ना, मैथमेटिक्स का। तो आज मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। चाल, दूरी और समय, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं चाल, दूरी, समय के बारे में पढ़ते हैं। तो आज मेरी पहली क्लास है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की, इसलिए आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। छोटे से छोटे चीजों को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग आ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन अभी आ चुका है भाई। अनिता प्रजापति, देवेंद्र पाल, निलेश सिंह, नैना सोनी, रुचि दुबे, गुरदीप सिंह। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बाकी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए साथ में। देखिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के बारे में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि देखिए, आप जानते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है? गति, है ना। चाल से बोलते हैं चाल। डिस्टेंस यानी दूरी, और टाइम मतलब हो गया समय। तो चाल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में कर लेते हैं समय, है ना। क्या लिखते हैं? दूरी बटे में समय। चाल इज इक्वल होता है दूरी बटे समय। तो अब ध्यान दीजिए कि दूरी बटे समय मीन्स हो गया, हम कह सकते हैं इंग्लिश में बोलेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? स्पीड इज इक्वल टू लिखेंगे आप डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे? टाइम, है ना। समय डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि इसी फार्मूले को हम चाहे तो लिख सकते हैं, यदि पक्षांतर कर ले, ट्रांसफर करके पक्षांतर यदि कर लिया जाए हम लोग, तो हम लिख सकते हैं चाल और समय का आपस में गुणा कर देंगे, तो तिरे गुणा कर देंगे तो दूरी का मान कितना आएगा? इसी फार्मूले में यदि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि दूरी बराबर, क्या लिख सकते हैं? दूरी बराबर चाल गुणे समय भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? दूरी बराबर चाल गुणे समय भी लिख सकते हैं। या फिर हम चाहें तो इसी फार्मूले से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? समय बराबर लिख सकते हैं क्या? दूरी बटे में चाल, क्या ले सकते हैं? दूरी बटे चार। तो ये आप तीन फार्मूले यहां से मिलेंगे आपको। क्या मिला? पहला फार्मूला दूरी बटे समय, चाल का मान कितना होता है? दूरी बटे समय। समय का मान क्या होता है? तो समय का मान होता है दूरी बटे चाल, और दूरी का मान क्या होता है? चाल गुणे समय। तो तीन फार्मूले, एक्चुअली तो फार्मूला एक ही है, बट एक फार्मूले से हमने इन दोनों को बना लिया। तो इन ये आपको चीजें बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ही आपको लर्न होना चाहिए। लर्न नहीं रहेगा ना तो आपकी स्पीड, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी, इसलिए आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये तीनों फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका होगा, आई होप, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने यहाँ पे तीन फॉर्मूले देखे कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी का मान है, समय का मान होता है। देखिए, तो हमने यहाँ पे कहेंगे कि चाल इज इक्वल टू क्या है? दूरी में समय से भाग देते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि चाल ऊपर है, समय कहाँ है? नीचे है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाल में और समय में जो संबंध है वो कैसा है? व्युत क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत क्रमानुपाती का संबंध होना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है यदि मान लीजिए एक निश्चित दूरी को चलने में चाल जितनी ही स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, जितनी स्पीड करेंगे बढ़ाएंगे, समय उतना ही कम लगेगा। सपोज दैट ये आपका घर है, ठीक है। घर से आप कहाँ जाना है? आपको स्कूल जाना है। तो घर से स्कूल जाते समय यदि आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? कम लगेगा। यदि स्पीड कम कर देंगे तो टाइम क्या होगा? अधिक लगेगा, ठीक है। इन दोनों में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। उल्टे संबंध होने को ही बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती होना, इनवर्स प्रोपोर्शनल होना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे उनको देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखिए चाल को मापने का मात्रक क्या होता है। चाल को मापते किसमें है, तो चाल को जो मापने का जो मात्रक होता है ना वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। या फिर एक मात्रक और होता है जिसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, देखिए अन्य मात्रक और भी होते हैं लेकिन जो सामान्यतः जो प्रश्नों में प्रयोग होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है और मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि किलोमीटर प्रति घंटा को और मीटर प्रति सेकेंड को परस्पर किस प्रकार से इंटरचेंज किया जा सकता है, कैसे चेंज करेंगे इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब चेंज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को जब चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें हमको इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यदि किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया है, इसको हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग इंटू कर देंगे। किससे इंटू करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5/18 से गुणा कर देंगे। और यदि मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ क्या करना है 18/5 से गुणा कर देंगे। एक बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18 से, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18/5 से। ठीक, ध्यान दीजिएगा जब मीटर प्रति सेकेंड बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करेंगे, जब मीटर प्रति सेकेंड में दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाल दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा यदि किसी कार की, किसी गाड़ी की चाल है, तो उसी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में कितना बोलेंगे? तो आप फार्मूला आपने पढ़ा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा यदि दिया गया है, इसको बदलना है मीटर में प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18×18, 18×5 90, तो 5×5 करें कितना जाएगा 25, यानी इसको हम बोलेंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या बोलेंगे? 25 मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभिषेक पांडे जी, गुड इवनिंग अभिषेक पांडे, हर हर महादेव, हर हर महादेव आप सब लोगों को। काजल सिंह, अभिषेक पांडे, शक्ति सिंह, चलिए हाँ आप लोगों का स्वागत है, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग लिए क्या पढ़ा यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। कुछ क्वेश्चंस और देते हैं आप लोगों को, आप लोग इंटरचेंज करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। अब बताइए इसको बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, है ना। क्या बोला गया है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, तो क्या करेंगे आप लोग जानते हैं क्या करना भाई, आंसर बताइए क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका। तो अब जानते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, अब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, यानी कि हम इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से, है ना, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो हम कहेंगे 108 यहाँ पे ना 108, 18 का कितना आएगा 108, 6×5 30, यानी इसको ले सकते हैं 30 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया भाई, ठीक है ना, चले आगे, वेरी गुड। तो लाइक कर दीजिए भाई, है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देते हैं, दिया गया है 35 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दिया है? 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। क्या बोला गया? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया गया है, 35 मीटर प्रति सेकेंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, बदलने के लिए बोल रहा है क्या करेंगे। यहाँ क्या करना होगा, कि 35 में हम गुणा कर देंगे, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है ना, तो 18 ऊपर जाएगा 5 नीचे, ठीक है। तो 5 7 35, ठीक है, कितना जाएगा 126 है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो बस इतना जान लीजिएगा। अब कभी कभी यहाँ तक कर लेंगे ना, अब कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि सर 5/18 से कब करते हैं और 18/5 से कब करते हैं, इसको आप क्यों करते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिएगा हम 5/18 से गुणा क्यों करते हैं, 5/18 से गुणा क्यों करते हैं, ठीक है, उसका भी कारण है, रीजन है। क्या कारण है उसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है, मान लीजिए दिया गया है 90 किलोमीटर और प्रति घंटा दिया है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। देखिए मीटर, किलोमीटर को जब भी बदलेंगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को हटाएंगे तो लिखेंगे 1000 मीटर। क्या लिखेंगे? 1000 मीटर। और घंटे एक और मीटर प्रति सेकंड। अब हमको बताइए कि जब घंटा को बदलेंगे सेकंड में तो कितना से इंटू करना पड़ेगा, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदला 1000 मीटर, घंटे को सेकेंड में बदला 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 00 00 खत्म, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, ठीक। यानी कितना आया, 90 गुणे 5/18 आया कि नहीं,